थोड़ा ये डनिया निकाल ली। फ्रिज में होने वाली वेजिटेबल कंप्लीट, मेरा वेजिटेबल विलेज रेसिपी कंप्लीट देखें बीजी बेबे के ब्लॉग में। बहुत मज़े की टेस्टी न्यू डिश। बस हमारा दोपहर का लंच सिंपल सालन, कौन सा बहुत टेस्टी न्यू चीज़। न्यू चीज़ में क्या है खोल कर दे। इसमें बड़ा प्याज था हाफ, हमने आजकल बहुत बड़े प्याज आ रहे हैं हाफ, छोटा है तो वन। एक प्याज आयल लहसुन गोल्डन किया, उसमें नमक मिर्च डाल के, ये कौन सी चीज़ है, इसमें मटर डाल दिया हमने, ये डाल दिया, सारा कुछ डाल के, ये वो चीज़ है जो सरसों के ऊपर गोल्डन फूल बनते हैं, ये वो फूल हैं। इन चीज़ों में सिर्फ खुश्क धनिया ये एंड पे ऐड कर रहे हैं, अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं और इसको हम बना रहे हैं घी में। अच्छा जी, ये घी में तो बन रहा है, आपको ज़्यादा मज़े का टेस्टी खाने के लिए जब आप इसको खाने के लिए प्लेट में डोंगे में डालें तो इसके ऊपर मक्खन या देसी घी पसंद करते हैं तो वो ऐड करें। हर घर में क्या, हर इलाके में भी नहीं बनती, जो हमारी साइड में ज़्यादा बनाई जाती है, पसंद भी की जाती है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है ये बनती भी है इस तरह का, इसका सालन पकता है कि नहीं पकता। इसको हल्का सा बॉयल करना है क्योंकि जो होता है ना साग वो तो ज़्यादा कड़वा होता है, ये इतना कड़वा नहीं होता, बॉयल लाजमी करना पड़ता है इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए और इसका एक अजीब सा जायका आता है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा घी और मिक्स किया है, अच्छी सी भुनाई करते हैं। भुनाई करने के बाद ये सालन हमारा ग्रीन मिर्च वगैरह डाल के रेडी हो जाएगा इसको भुनाई करने के लिए। ये देखें टमाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो कोशिश करें पहले मसाला बना के इसको इसमें ऐड कर दें। ये एक न्यू लुक, न्यू सालन, न्यू टेस्ट आप लोग बनाएं जिनके साइड पे ये सरसों का साग और फ्लावर होते हैं, काफ़ी लोगों के इल्म में नहीं है, वो कहते हैं अच्छा ये इसका सालन भी बनता है, तो ये सालन बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। आप मटर के बगैर भी बना सकते हैं, मटर शौकिया डाले जाते हैं, इसका कोई जोज नहीं है, बगैर मटर के भी आप बनाएं बहुत मज़े की टेस्टी बनती है। जैसे मैंने कहा आप लोगों के पास है पसंद करते हैं तो आप मंगवाएं देसी घी और मक्खन, खाना खाते हुए गरम रोटी गरम सालन के ऊपर इस तरह से खा के इसका मज़ीद अच्छा सा टेस्ट बनाएं। थोड़ा ये डनिया निकाल ली, बॉयल किया, पानी गिरा दिया, ये सालन रेडी हो गया। मज़ीद अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी ऐड कर, थोड़ी सी भी नहीं है, दो चम्मच भर के खाने वाले अच्छी तरह से मसल के कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इस ऐड करते हैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। व्यूअर्स, इस कमरे का काम काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका है, तो कबर के पल्ले वगैरह इस तरह से लगवाने हैं। अब काम इस रूम का हो चुका था जिसमें हम रहते थे, ये रेडी था। मेरे वॉशरूम का जो काम हुआ ना उसी के पानी की वजह से ये दीवारें ख़राब हुई हैं दो इसकी, तो आज से ये काम स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह हम कह रहे हैं कोशिश करें दो दिन में फिनिश कर दें। रोटी चाहो त्राए बंदे की रोटी अंत करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसी वेजिटेबल है जो गाँव में होती भी है, बनाता हर कोई नहीं है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये हमारा लंच रेडी हो चुका है, थोड़ा सा हम लेट हो गया, मैं समझ नहीं क्यों आज लेट हो गया हमारा लंच, ज़रा धूप पे बैठे हैं तो इसलिए शायद आइडिया भी नहीं हुआ टाइम क्या हो गया है, तो अजाने भी हो गए हैं, 2:15 हो रहे हैं, वरना 1-1.5 बजे हम खाना दे ही देते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये ऐसी वेजिटेबल है थोड़ी हैवी हो जाती है, घी देसी भुनाई या इसके ऊपर जो डालते हैं उसकी वजह से ज़्यादा खाई नहीं जाती, ये आम सालन से कम खाई जाती है, बहुत मज़े की टेस्टी होती है। ये हो गया, तो ये हो गया हम अपने लिए भी, तो रोटी हो चुकी है गरम गरम रेडी, खाना खाते हैं, जा रहे हैं शहर पे, चलना है अफसोस के लिए किसी के घर। अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। एक नौजवान डेथ हुई थी और एक मासूम और छोटे छोटे बच्चे बेचारी बेवा, तो कहते हैं एक यतीम के सर के ऊपर बंदा मोहब्बत से प्यार से हेल्प के साथ हाथ रख देना, तो जिन जितने उस बच्चे के सर पे बंदे के सर पे बाल है उतना ही अल्लाह ताला अजर देता है सवाब देता है। हमें चाहिए फैमिली में जो भी है इस तरह के उनको देखें समझें जाएं उनकी हेल्प करें तो
अल्लाह ताला इसका बहुत अज़र देता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा बच्चों के लिए कोई थोड़ा बहुत लेके चलते हैं, काफ़ी अरसे के बाद जा रही हूँ। जो भी बेचारियाँ नौजवान बेवा हो जाती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बहुत भारी लंबी मंजिल होती है बच्चों को जवान करना, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना। अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देता है। मेरा परवरदिगार फरमाता है, जिस औरत का मर्द नहीं है उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, इज़्ज़त ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो मेरा परवरदिगार उन औरतों के लिए जन्नत का दरवाज़ा एक खोल देगा जहाँ से गुजर जाओ। सुबहान अल्लाह, दर्जा तो बहुत है। अरे तुसा झूठ देख लो, पीघे दे उते झूठ। अम्मा बैठी लो, बकरे चले नहीं घास चुन दे। अच्छा काफ़ी है जा मैदान पर लोग इतनी पे प्लांट सारे शहर बहुत खुला एरिया है, बहुत अच्छा, जाने भी हो रही हैं सर की, इंशाल्लाह चलते हैं। मैंने कहा ये साइड आपको विजिट करा दूँ, फौत की हुई थी, मैं नहीं आ सकी, अच्छा नहीं लगता किसी के घर की वीडियो बनाई जा करें, तो थोड़ा सा बहर की मैंने कहा व्यूज आपके साथ व्यू शेयर कर दूं। बहर के व्यूज ये हैं, मौसम के भी ये हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा और बेहतर हो चुका है, बच्चों की चिल 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 शाम को माशाल्लाह, थोड़े से दिन भी बड़े हो चुके हैं, तो इसी ऐसे इलाके वाले बच्चे माशाल्लाह गली कुचों में बहुत खेलते रहते हैं। साग मूलिया ही किस में राजा पैर, अच्छा माशाल्लाह पतरिया नहीं तो सा साइड देख रही, केला भी है पतरी कितना है, केला तीजा साले कितने केले हैं, तो से राही पर बाग के लेना माशाल्लाह महल नुमा, और इसके साथ खूबसूरत मस्जिद भी है आगे, ये है खाजगान के घर, इनके सारे आगे बैठे भी हैं गार्ड वगैरह, तो बहुत ब्यूटीफुल हाउस है। मैं अंदर इनके कभी नहीं गई, इसके भाई के घर तो गई थी, वो भी खूबसूरत था माशाल्लाह, ये बहरी लुक भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ के रुके हैं, थोड़ी सी सब्जी फल वगैरह जो भी कम हुए पड़ते वो खरीद रहे हैं, ड्राइवर गया है लेने के लिए। मस्जिद फजल महमूद अल महमूद ज्वेलर्स, तोसा की मार्केट अंदर इस तरह से गली है, बस मुश्किल से ही आना जाना होता है, गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं जा सकती माशाल्लाह। मस्जिद नमाज हो रही है असर की, टेस्टी गोलगप्पे फूड पॉइंट, बर्गर बाद में लेंगे, अब लेते हैं हम दही भले, इसके गोलगप्पे नहीं आ रहे, कहते हैं टेस्ट अच्छा दिया था, पीछे से हम मंगवाते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं, बहरहाल मैंने खाए हुए भी, आप लेके जाते हैं घर, वहाँ भी टेस्ट करेंगे इनके दही पल्ले। यार सब की दुआएं इबादतें नेकियां कबूल करें, मगरब की अजानें हो रही हैं, रोज़ा ओपन हो रहा है, रोज़े का टाइम हो चुका है, भागते भागते पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले से तैयार था, बस दही पल्ले डाले हैं, चना चाट पकौड़ा डिश में क्या है वो भी देखते हैं, तो दही पल्ले और जो बेचारे नहीं रख सकते उनको भी हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनकी जो भी नेकियां कबूल फरमाए, तो रोज़ा ओपन करते हैं। जिन जिन ने रोज़े रखे हुए हैं रखने हैं अभी माशाल्लाह, ये हमारा इफ्तार पार्टी, तो आप लोग भी रोज़ा ओपन करें, दुआ में शामिल करें, मेरी दुआ सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, हर मुसलमान के लिए जहाँ भी हैं, हर इंसान के लिए, हर जानदार चीज़ के लिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुशियाँ और बेहतरियाँ हों हमारी अपनी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अजानें हो रही हैं, रोज़ा ओपन करते हैं, आप लोग भी दुआओं में शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।